बिहार की जनता के लिए आज महागठबंधन के तमाम नेता सड़कों पर हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक नीतीश कुमार अपनी गद्दी नहीं छोड़ देते। और ये जनता के आह्वान को, जनता के दर्द को समझते हुए मार्च निकाला है। जब जागे तभी सवेरा, ये होना चाहिए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगने शुरू हो गए हैं। आशीष जी मौजूद है। आशीष जी, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूरे बिहार में जो जनता की जो अनुभूति हो रही है जनता को, वो पूरा बिहार की जनता देख रही है। वो बिहार की जनता के लिए आज महागठबंधन के तमाम नेता सड़कों पर हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक नीतीश कुमार अपनी गद्दी नहीं छोड़ देते। फिर वही सवाल होगा, तेजस्वी यादव जी नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को आना चाहिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी इस बात की बात को रखने के लिए जो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता या उनके जो प्रवक्ता होंगे राजद के, वो रख पाएंगे। हमारे साथ एक और सीनियर नेता है कांग्रेस के, इनसे बात करते। सर, भीड़ बहुत बड़ी अपने लेके चल रहे हैं, मगर एक दिख रहा है खासतौर पे कि हरा रंग कम है लालटेन। किसी भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हम लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी और तमाम और पार्टियां, वामपंथ और गठबंधन के लोग लगे हुए हैं और ये जनता के आह्वान को, जनता के दर्द को समझते हुए मार्च निकाला है। जब जागे तभी सवेरा, ये होना चाहिए। जिनको नहीं आना है वो आए, आशा करते हैं। नहीं आए तब भी जनता का सैलाब आगे बढ़ चुका है। राजद कहती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे बड़े आयोजनों में नहीं। ये तो आंदोलन का समय है। सत्ता पर पाने के लिए आंदोलन में आना जरूरी होता है। अभी आंदोलन के समय कौन क्या होगा उसके बारे में कोई जवाब देना मुश्किल है। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को यहाँ मौजूद होना चाहिए था, मगर वो आज नहीं है और ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि तेजस्वी यादव कितना चिंता करते हैं महागठबंधन की। कांग्रेस के नेता हैं, विधायक भी हैं और जो केंद्रीय कमेटी है उसमें भी सदस्य हैं। सीधे तौर पे ये जब आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं दबी जुबान में ही सही कि तेजस्वी यादव को यहाँ होना चाहिए था, तो आप समझ लीजिए कि महागठबंधन के जितने भी दल हैं जो यहाँ आए हैं, मौजूद हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि एकजुटता अपनी दिखाने का। इससे ये मैसेज जरूर क्लियर हो जाता है कि तेजस्वी यादव आज नहीं है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इनके मन में जरूर बैठा हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।